ये आकाशवाणी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक की छठी कड़ी। कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलौ विज्ञान धामा वुभौ शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृंद प्रियौ माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धर्म वरमौ हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौ हिना। सीता जी की खोज में आगे बढ़ते हुए श्री राम जी ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे। वहां सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। महापराक्रमी राम और लक्ष्मण को आते देखकर सुग्रीव पहले तो चिंतित हुए कि कहीं बाली ने ही तो इन्हें नहीं भेज दिया है। फिर विचार कर हनुमान जी को सारी स्थिति की जानकारी के लिए भेजा। हनुमान जी ब्रह्मचारी का रूप धारण कर श्री राम जी के निकट पहुंचे। भद्र पुरुषों की सेवा में मेरा प्रणाम। प्रणाम। कुतुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बनबीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेत बिचरहु बन स्वामी। कहीं आप ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीन देवताओं में से तो नहीं है, या फिर आप नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनोज अवतार। वीरवर कोसलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बन आए नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारे सुख मारे सुहाई। पंचवटी से किसी राक्षस ने सीता का अपहरण कर लिया है, हम दोनों उन्हें खोज रहे हैं, बस यही हमारी गाथा है। अब आप भी तो अपना परिचय दीजिए। स्वामी मेरा आपसे परिचय पूछना तो न्याय संगत था, मैंने वर्षों बाद आपको देखा है वो भी तपस्वी के वेश में। अपनी बानरी बुद्धि के अनुसार मैं आपको पहचान नहीं सका, परंतु आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर तुम पूछो कस नरकी नाई। तब माया बस फिरहु भुलाना ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहे बिसारे दीन बंधु भगवान। हनुमान हनुमान मानता हूं प्रभु मैं अवगुणों की खान हूं, किंतु आप मुझको भूल जाए। स्वामी मैं मानता हूं हर जीव आपकी माया से मोहित है, आपकी कृपा से ही भव सागर से पार हो सकता है। फिर प्रभु मैं तो भजन उपाय कुछ भी नहीं जानता। जिस तरह पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, उसी तरह सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है। हनुमान हनुमान उठो, मेरे हृदय से लग जाओ। तात, आपके नेत्रों में अश्रुकण। यह अश्रुकण नहीं लक्ष्मण, यह हनुमान से मिलने का उल्लास है। अपने मन में ग्लानि मत लाओ कभी, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। सब आपको समदर्शी कहते हैं, आपके लिए ना कोई प्रिय है ना प्रिय है। पर मुझे सेवक प्रिय है,
क्योंकि मुझको छोड़कर उनका कोई और सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। नाथ सैल पर कपिपत रही, सो सुग्रीव दास तब आई, तेही सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानी तेही अभय करीजे। सो सीता कर खोज करा इह, जहां ता मरकट कोट पठा इह। इस प्रकार हनुमान ने श्री राम जी को सुग्रीव की कथा समझाई, फिर दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को इस प्रकार हनुमान के साथ आते देखा तो अपने जन्म को धन्य समझा। मन में सोचने लगा, हे विधाता, क्या ये मुझसे स्नेह करेंगे? उनके आते ही सुग्रीव ने उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। राम ने उन्हें कंठ से लगा लिया। तब हनुमान ने उन दोनों को एक दूसरे की गाथा सुनाकर, अग्नि की साक्षी कर, उन दोनों में मित्रता करवाई। कीनी प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाखा। वानरराज मेरे भाई महापराक्रमी राम है, हम दोनों अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। राम के शौर्य से संपूर्ण वन राक्षस विहीन हो चुका है। खर, दूषण, त्रिशरा और कबंध जैसे महाबली राक्षस राम के हाथों मारे जा चुके हैं। इस पर खींचकर राक्षस राज रावण ने सीता जी का अपहरण किया है। हम उन्हें ही खोजते हुए यहां तक पहुंचे हैं। देव, आप लोग चिंता न करें, सीता जी आपको मिल जाएंगी। एक बार मैं यहां बैठा हुआ अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहा था। गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हमें ही देख दीने पट डारी। वो वस्त्र मुझे दिखाओ सुग्रीव। अभी लो प्रभु, ये लीजिए प्रभु। वही है, सीता के ही वस्त्र हैं। प्रभु आप चिंता ना करें, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। मैं वो हर संभव उपाय करूंगा जिससे सीता जी आपको मिल जाएं। मुझे तुम पर विश्वास है सुग्रीव। अब एक बात बताओ सखा, तुम इस प्रकार वन में क्यों रह रहे हो? स्वामी, मैं और बाली दो भाई हैं। कभी हम दोनों में ऐसा स्नेह था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार की गाथा है, मैं दानव का महाबली पुत्र मायावी हमारे नगर में आया और आधी रात के समय ऊंचे स्वर में बाली को ललकारने लगा। बाली शत्रु की ललकार कैसे सहन कर सकता था? बाली हुंकार कर उसके पीछे भागा। मैं भी ये सब देख भाई के साथ साथ चला। दुष्ट मायावी, ठहर, मैं तुझे तेरी ललकार का प्रत्युत्तर दूंगा। सुग्रीव। हाँ भैया। तुम देख रहे हो, मायावी इस पर्वत की गुफा में घुस गया है। तुम एक पखवाड़े तक यही मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं 15 दिन तक लौट कर नहीं आ सका तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो चुकी है। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं गुफा भी जाकर इससे युद्ध करूंगा। प्रभु, मैं वहां 1 मास तक रहा। तब एक दिन मैंने देखा गुफा से खून की बड़ी धारा बह निकली है। मायावी ने बाली को मार दिया है और मुझको आकर मार देगा, क्योंकि मैं बाली से अधिक बली नहीं हूं। ये सोच मैं गुफा के द्वार पर विशाल शिलाखंड लगाकर लौट आया। मंत्रियों ने राजधानी को बिना स्वामी के देखा। मेरी इच्छा ना होने पर भी उन्होंने मुझे राजा बना दिया। चुप क्यों हो गए सुग्रीव, बोलते क्यों नहीं? कुछ दिनों बाद बाली शत्रु को मारकर घर लौटा। आश्चर्य तो यह था प्रभु कि उसके हृदय में मेरे प्रति एक शत्रु के समान रोष था। रिपु सम मोही मारे से अति भारी, हरि लीने से सर्वस्व अरिनारी, ताके
भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरूं बिहाला। यहां साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। सुनो सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बान, ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उपरे ही प्राण। मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है, सिद्धांत कहता है जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरिसम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हटी करत मिताई। अतः सखा सुग्रीव, मेरे बल पर अब तुम अपनी चिंता छोड़ दो, मैं हर प्रकार तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। देव, बाली महाबली और अत्यंत रणधीर है, देखिए वो दुंधवी राक्षस की अस्थियों का समूह है, ताड़ के वृक्ष हैं। ऐसी बात प्रचलित है कि जो इनका विनाश कर सकेगा उसी के द्वारा बालीवध होगा। तो लो, मैं इन्हें एक ही बाण से नष्ट किए देता हूं। आश्चर्य, एक ही बाण ने यह चमत्कार कर दिखाया। मुझको विश्वास हो गया कि आप निश्चित वाली का वध करेंगे। निश्चिंत रहो सुग्रीव, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। बाली तो मेरा उपकारी है, जिसकी कृपा से दुखों का नाश करने वाले आप मुझे मिले। नहीं प्रभु, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। सुख संपत्ति परिवार और अहम का त्याग कर मैं आपकी सेवा करूंगा। मुझे वरदान दीजिए कि मैं सब कुछ त्याग कर दिन रात आपका भजन करूं। ऐसा ही होगा, मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं होते। बाली मारा जाएगा और तुम किष्किंधापति बनोगे। उठो सखा, यह वैराग्य की वाणी छोड़ो और बाली से युद्ध करने को तत्पर हो जाओ। आओ मेरे साथ। बाली, बाली, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं, शक्ति है तो आकर मुझसे युद्ध करो। आज सुग्रीव को क्या हो गया, कहीं भांग तो नहीं खा गया? ठहर, मैं अभी तेरी खबर लेता हूं। स्वामी, स्वामी, पहले मेरी एक बात सुनिए। क्या है? ये सुग्रीव नहीं गरज रहा, ये राम और लक्ष्मण की शक्ति गरज रही है। सुनो पति, जिन्हें मिले हुए सुग्रीवा, ते तो बंधु तेज बल सीमा, कोसले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। भीरु प्रिय, राम समदर्शी हैं, यदि वे मुझे मारेंगे तब भी मुझको परम पद प्राप्त होगा। दुहाई है प्रभु, आपकी दुहाई है। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, मेरा काल है। मैं भी विवश था सुग्रीव, तुम दोनों भाई समान रूप के हो। मैं भ्रम में पड़ गया, सोचा कहीं बाली के धोखे में तुम ही न मारे जाओ। लो, ये पुष्पमाला धारण करो ताकि मुझको तुम्हारी पहचान रहे। जाओ, निश्चिंत होकर युद्ध करो। अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, इस पर भी आपने पेड़ की ओट में छिपकर व्याध की भांति मुझे मारा। मैं पहले सुग्रीव प्यारा, अब कुन कवन नाथ मैं मारा। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम एचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिकावन करसी न काना। मम भुजबल आश्रित तेही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। स्वामी, स्वामी,
आपसे मैं चतुराई में नहीं जीत सकता। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर भी मैं पापी ही रहा। सुनो बाली, मैं तुम्हारी देह को अचल करता हूं, तुम अपने प्राणों की रक्षा करो। नहीं नहीं कृपा निधान रही, मुनिगण जन्म जन्मांतर यत्न करने पर भी जिस गति को प्राप्त नहीं होते, वो मुझको सहज में ही मिल गई है। चाहने पर भी अंत समय लोग राम नाम नहीं ले पाते, और मेरे सम्मुख तो साकार राम खड़े हैं। ऐसा संयोग क्या फिर आएगा। सो नयन गोचर जा सुकुन, नित नेति कहीं श्रुति का वही, जित पवन मन गो निरस कर, मुन ध्यान कबूक पावही। वही जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहु राखु शरीर ही, अस कबन सट हटी काटी सुर तरु बारी कर ही बबू रही। अब नाथ करी करुणा विलो कहु, देहु जो वर मांगहु, जही जोनी जन्मों कर्म बस, तह राम पद अनुराग हु। प्रभु, देवताओं और मनुष्यों के नाथ, ये मेरा पुत्र अंगद है। बल पराक्रम और विनय में मेरे ही समान है, इसकी बाह पकड़कर आप इसे अपना दास बनाइए, इसे आश्रय दीजिए। तथास्तु। स्वामी, मैं तो आपको पहले ही समझा रही थी, पर आपने मेरी बात न मानी। पिता, तुम्हारे बिना अब हमारा सहारा कौन बनेगा? देवी तारा, धैर्य से काम लो। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पवन, इन्हीं पांच तत्वों से ये अधम शरीर रचा गया है। वो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है। जीव तो नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? प्रभु, मुझको अपनी परम भक्ति का वरदान दो। निश्चित देवी। सखा सुग्रीव, बाली तुम्हारे अग्रस्त है, विधिवत इनका दाह संस्कार करो। और लक्ष्मण, तत्पश्चात तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव को राजपद और अंगद को युवराजपद से सुशोभित करो। रघुपति की प्रेरणा से सब लोग उन्हें प्रणाम करके विदा हुए, सभी कार्य विधिवत हुए। तब लक्ष्मण जी ने सब नगरवासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुलाकर उनके सम्मुख सुग्रीव को राज्य दिया और अंगद को युवराज बनाया। अब ग्रीष्म बीतकर वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी। वर्षा काल बिताने के लिए श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुबन कर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जपते प्रभु आए। मंगल रूप भय उबन तबते, कीन निवास रमापति जबते। फटक शिला अति शुभ्र सुहाय, सुख आसीन तहां को भाई। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृप नीत विवेका। पर काल मेद नभ छाय, गरजत लागत परम सुहाय।
उस्ताद, आज आपका मन कुछ उद्विग्न लग रहा है। प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य और उसके गूढ़ रहस्यों में खो गया है मन। इस वर्षा ऋतु को देखकर अनेक विचार मेरे मन में उठ रहे हैं। मैं आपकी व्यथा को समझता हूँ तात। हमारे वनवास काल में जितनी बार वर्षा ऋतु आई है, जानकी जी साथ रही हैं। इस बार उनकी अनुपस्थिति आपको व्याकुल किए हुए है। तुम ठीक कहते हो तात। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन बोरा। उधर देखो लक्ष्मण, जैसे विद्वान विद्या पाकर नम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार बादल पृथ्वी के पास आकर बरस रहे हैं। पर्वत बूंदों के आघात को इस प्रकार सह रहे हैं जैसे संत लोग दुष्टों के वचनों को सहते हैं। छोटी छोटी नदियां किनारे तोड़कर इतराती हुई चल रही हैं जैसे क्षुद्र लोग थोड़ा सा धन पाते ही मर्यादा तोड़कर प्राणी लगते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हिं जनु पटु समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। सति संपन्न सोहे महि कैसी, उपकारी कै संपति जैसी। निस्तम घन खत्योत विराजा, जनु गम गिन कर मिला समाजा। वही चतुर किसाना, इन बुध तजहि मोह मद माना। ऊसर बर सही कृन नहीं जामा, इन हरि जन ही उपज न कामा। लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई और परम सुहावनी शरद ऋतु आ गई है, किंतु किंतु क्या तात, आप चुप क्यों हो गए? लक्ष्मण, अभी तक सीता के विषय में कोई समाचार नहीं मिला। एक बार कैसे भी उसका समाचार प्राप्त हो जाए तो राक्षस राज्य क्या काल को भी जीतकर मैं उसे ला सकता हूं। यदि वह कहीं भी जीवित हुई तो मैं इसे यत्न करके अवश्य लाऊंगा। तात, सुग्रीव हूं सुधि मोरी बिसारी, पावा राज को सुपुर नारी। जही सायक मारा मैं बाली, तही सरहतों मूड कह काली। बहुत दिनों बाद आज धनुष पर बाण चढ़ाने का अवसर मिला है। मर्यादा पुरुषोत्तम, आप शुभ न हो, मैं अभी किष्किंधा जाकर सुग्रीव की बुद्धि ठिकाने लगाता हूं। वहां जाकर कोई अनिष्ट न कर देना लक्ष्मण, केवल भय दिखाकर सखा सुग्रीव को यहां ले आओ। जिनकी कृपा से मद और मोह छूटते हैं, ऐसे श्री राम जी को कभी स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है? ये क्रोध तो केवल लीला मात्र है। ज्ञानी ऋषि जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति लगा रखी है, वे ही इस लीला के रहस्य को जानते हैं। इधर किष्कंधा में हनुमान मन ही मन सोचने लगे, श्री राम जी के कार्य को सुग्रीव तो भूल ही गए हैं। उन्होंने जाकर सुग्रीव को स्मरण कराया। सुग्रीव ने कहा, वास्तव में ही हनुमान, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। विषय वासना ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया है। ऐसा करो पवन पुत्र, जहां जहां वानरों के समूह रहते हैं वहां वहां दूतों को शीघ्र भेजो और कहलवा दो कि 15 दिनों में जो नहीं आएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जह तह कपि धाए। कहा है सुग्रीव, उन्हें शीघ्र बुलाओ, नहीं तो मैं पूरे नगर को जलाकर राख कर दूंगा। मैं युवराज अंगद प्रणाम करता हूं देव, हम लोगों को अभिदान दें, हमारे अपराध को क्षमा करें। डरो मत अंगद। हनुमान, हनुमान। आज्ञा महाराज। देवी तारा को साथ ले जाकर
लक्ष्मण जी को समझाओ, उनके क्रोध को शांत करो। हम उन्हें अभी भवन में लेकर आते हैं महाराज। मैं प्रणाम करती हूँ भगवान। मेरा भी प्रणाम स्वीकारें देव, हमें आशीष दें। मेरा आशीष सदैव आप लोगों के साथ है। आइए प्रभु, राजभवन को अपने चरणों से पवित्र कीजिए। मुझको अपनी भूल का पश्चाताप है देव। उठो वानरराज, मेरे कंठ से लग जाओ। हे नाथ, विषय के समान कोई मत नहीं है, मैं तो साधारण जीव हूं, जबकि ऋषियों तक के मन में ये मोह उत्पन्न कर देता है। लक्ष्मण जी, हमने सब दिशाओं में बानर यूथ बुलाने के लिए दूत भेजे हैं। ठीक है, आओ अब श्री राम जी के पास चले। हरख चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ। श्री राम सुग्रीव आदि के बीच जानकी जी की खोज के लिए बातें होने लगी। यही विधि होत बत कही आए बानर जूत, नाना बरन सकल दिसि देखिए की सुबरूत। तब सुग्रीव की आज्ञा पाकर सब बानर योद्धा जहां तहां खड़े हो गए। सुग्रीव ने उन्हें सारी बातें समझाते हुए कहा, शांत हो जाओ, सब शांत होकर सुनो। वानर वीरो, सीता जी की खोज के लिए आपको यहां बुलाया गया है, यह भगवान राम का कार्य है। मेरा अनुरोध है आप सब लोग सीता जी को जाकर खोजो। इसके लिए एक मास की अवधि है, जो बिना सुध लिए अवधि समाप्त करके लौटेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। भगवान राम की जय! भगवान राम की जय! बानर राज सुग्रीव की जय! बानर राज सुग्रीव की जय! बानर राज सुग्रीव की जय! सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुध पूछे सब काहू, मन क्रम वचन सो जतन विचारहु, रामचंद्र कर काज सवार। यह मेरी मुद्रिका है हनुमान, यह सीता को देना, उन्हें सब प्रकार से समझाना, मेरे विरह प्रेम शक्ति सबके विषय में उन्हें बताना और शीघ्र लौटना। हनुमत जन्म धन्य करी जाना, चलेउ हृदय धरि कृपा निधाना, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। श्री राम जी से आज्ञा लेकर ये बानर योद्धा सीता जी की खोज में आगे बढ़े। हनुमान की।
बर सर बिगसित बहु कंज मंदिर एक रुचिरता बैठनार तप सबने उस तपस्विनी को प्रणाम किया, अपना वृत्तांत सुनाया, उससे आज्ञा लेकर जी भर स्नान किया, वाटिका से मधुर फल तोड़ तोड़ कर खाए, थोड़ी देर आराम किया। तब तपस्विनी ने इन्हें अपनी कथा सुनाई और कहा, मैं तो अब वहां जा रही हूं जहां भगवान रामचंद्र हैं, उनसे उनकी अनपायनी भक्ति पाकर बद्रिकाश्रम चली जाऊंगी। तुम लोग इस विवर से निकलकर आंखें मूंदना, आंखें मूंदते ही सिंधु तट पहुंच जाओगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। अवधि समाप्त हो चुकी है और काम कुछ भी नहीं हुआ। दोनों प्रकार से अब तो मृत्यु दिख रही है। इधर सीता जी का पता नहीं लग रहा, कब तक इन पनों में भटकते रहेंगे। किष्किंधा लौटे तो बानर राज हमारा वध कर देंगे। मेरा वध तो वो मेरे पिता की मृत्यु के साथ ही कर देते। भगवान श्री राम ने मेरी रक्षा कर ली। सुग्रीव का मुझ पर कोई एहसान नहीं है। अब मुझको तो अपनी मृत्यु में कोई संदेह नहीं दिख रहा। सुनो युवराज, तुम्हारे कारण सभी अधीर हो रहे हैं, सभी की आंखों में पानी है। ये हम सबका निर्णय है। हम सीता जी की सूचना लिए बिना किष्किंधा नहीं लौटेंगे। आओ लवण सागर के तट की ओर चलते हैं। यहां कुशा बिछाकर थोड़ी देर विश्राम कर। जटायु का बड़ा भाई संपाती तो नहीं? मेरा विचार है वही है। आज सब ही कहे पर जाने का रहा हूं, चले आहार बिन मर तब उन्हें मिल भरी उधर आहारा। आज दीन विधि एक ही वारा। अब तो साकार मृत्यु सामने आ खड़ी हुई है, इससे निपट लेंगे। सोचने की क्या बात है, वास्तव में किथराज जटायु के समान कोई धन्य नहीं हो सकता। वे परम भाग्यवान है जो भगवान राम की काज अपने प्राण त्याग कर परम धाम। सुनो बंधु, मुझे समुद्र के तट तक ले चलो, मैं जटायु को सुनो वानर वीरों, मैं और जटायु बचपन से ही महत्वाकांक्षी थे। यौवनावस्था में मैं और वो सूर्य तक पहुंचने की आकांक्षा में उड़े। सूर्य की अपार तेज को सहन न कर सकने के कारण वो तो पथ से ही लौट आया, पर मैं
मैं दम भी उड़ता ही चला गया, रवि के निकट पहुंच गया, सूर्य के अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं घोर चीत्कार के साथ धरती पर गिरा। फिर चंद्रमा नामक ऋषि को मुझ पर दया आ गई, उन्होंने मेरा उपचार किया, अपने ज्ञान द्वारा मेरे दंभ को नष्ट किया। उन्होंने ही मुझको बताया था कि त्रेता युग में भगवान मनुष्य का रूप धारण करेंगे, राक्षसपति उनकी पत्नी सीता का हरण करेंगे, सीता की खोज में प्रभु अपने दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तेरे दुख दूर हो जाएंगे, तेरे पंख हो गएंगे, तू उन्हें सीता दिखा देना। आज आज ऋषि की वाणी सत्य हुई है। सीता जी कहाँ है? हाँ, देखो उधर, देखो उधर, त्रिकूट पर्वत पर लंका वसी हुई है, वहां रावण निडर होकर राज्य करता है, उसी की अशोक वाटिका में सीता जी विचार मग्न बैठी है। मैं उनको देख रहा हूं, मैं देखा हूं, तुम नहीं। गीध ही दृष्टि अपार, बूढ़ भय उन्नत करते हूं, कछुक सहाय तुम्हार। तुमसे जो भी शतयोजन समुद्र पार कर जाएगा, उसे ही भगवान का कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दृढ़ता से काम लो, राम को हृदय में धारण करो। देखो देखो, प्रभु कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया है, पंख उगाए हैं। कायरता छोड़, लंका पहुंचने का कोई उपाय करो। अच्छा अच्छा, मैं चलूंगा। बूढ़ा हो चुका हूं, अब शरीर में तरुणाई का लेश मात्र भी नहीं रहा। जब भगवान राम ने वामनावतार लिया था, तब मेरे शरीर में अपार शक्ति थी। बलि को बांधते समय प्रभु ने अपनी देह इतनी बढ़ाई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर मैंने दो घड़ी में ही दौड़कर प्रभु के उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। मैं समुद्र पार तो जा सकता हूं, किंतु लौटने के बारे में मेरे मन में कुछ संदेह है। तुम सब कुछ कर सकने में समर्थ हो, किंतु तुम हमारे नायक हो, तुम्हें हम कैसे भेज सकते हैं? हनुमान हनुमान, महाबली, तुम चुप क्यों बैठे हो? पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निथाना। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम्हारे लिए कठिन है, जिसे तुम नहीं कर सकते? भगवान श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। हनुमान जी का ये अद्भुत रूप है, लगता है जैसे साक्षात सुमेरु पर्वत हो। मैं इस समुद्र को खेल खेल में ही पार कर जाऊंगा। मैं सहायकों समेत रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां ला सकता हूं। जामवंत, मैं पूछूं तोई, उचित सिखावन तीन जहू मोई। तुमने हम सबको उबार लिया है तात, बस तुम इतना ही करो, सीता जी को देख और उनके समाचार लेकर लौट आओ। उसके उपरांत कमल जैसे नेत्रों वाले श्री राम राक्षसों का संहार करेंगे, कौतुक के लिए वानर सेना भी साथ होगी। इस
सेन संग संधार निशिचर राम सीता ही आनी है। राम सीता ही आनी है। कई लोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इस विशेष नाटक माला के संयोजक हैं श्री चिरंजीत और निर्देशक श्री विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। इसके लेखक थे श्री देवराज दिनेश। संगीत रचना श्री सतीश भाटिया ने और ध्वनि संयोजन श्री सुदर्शन कुमार तथा श्री कृष्ण कुमार नरूला ने किया। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री सुरेश शास्त्री, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, राजेंद्र वर्मा, तरुण माथुर, चांद नारायण सक्सेना, राम अवतार शर्मा, सी एस नागर, के एस पवार, प्रतिभा सिन्हा और आशीष सिन्हा। संगीतांश के कलाकार थे श्री मनमोहन पहाड़ी, श्री अमिताभ, श्रीमती पुष्पा अवस्थी और कुमारी शांता सक्सेना। कल इसी समय इस विशेष नाटक की 7वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।